और नीरज यार भाई बॉडी स्पेस है नीरज देख ये आप हाँ बैठ भाई आजा हाँ ये देखो भाई कितनी हाइट की है हाइट क्या है छह तीन की हाइट है बैठ बैठ भाई बैठ। हेलो दोस्तों मैं हूँ गौरांग सिंह सिखाता और आप सभी का हमारे फिर से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज अपने चैनल पर 25,000 सब्सक्राइबर हो गए तो पढ़ने बाउंसर आए कर लिया नहीं दोस्त अपना दोस्त है मित्र है बचपन का और मैंने बोला भाई आज कुछ धमाकेदार वीडियो शूट करते हैं और आज गाइज मैं मतलब कि अपना कॉन्फिडेंस अपने चैनल का जो ग्रोथ देखी जो रिसेंट वीडियो डाली थी वो भी वायरल होगी तो वो कॉन्फिडेंस मुझे खींच के लेके आ गया महिंद्रा शोरूम पर। ये देखिए तो आज मैं आप सबको महिंद्रा शोरूम के अंदर जो झुंझुनू के अंदर गैलोजी मोटर्स के ऊपर महिंद्रा शोरूम ब्रांच पे मैं आ गया हूँ और यहाँ पर आपको दिखाऊंगा स्कॉर्पियो एक तो अपने ये स्कॉर्पियो एन और स्कॉर्पियो एस 11 इनकी वीडियो वगैरह आपको सब कुछ इनके फीचर्स वगैरह बताता हूँ इन गाड़ियों के स्कॉर्पियो के अपने जितना भी पता है गाइस अपन बता देंगे। और देखो फर्स्ट टाइम है अपना तो यूट्यूब पे ये वीडियो कभी मैं नहीं गया हूँ शोरूम के अंदर महिंद्रा जैसे कोई भी गाड़ियों की आज पहली बार ही आया हूँ मैं स्कॉर्पियो के। तो बकायदा आप लास्ट तक ब्लॉग में बने रहना वीडियो में आपको सारी वीडियो में के अंदर मैं सब कुछ बता दूंगा थार वार के बारे में और इनके पर आज तो पर फिर एक काम करते भाई स्कॉर्पियो का बनाते हैं स्कॉर्पियो है ना थार का अगली वीडियो में देखना और उसके बाद में अगली वीडियो में बुलेरो आ जाएगी पर सबसे पहले आज स्कॉर्पियो को ही कवर करते हैं। पुराना मॉडल है नया वाला चलो पर नया वाला तो चलो भाई ने कह दिया कि आज नए वाले की शुरुआत कर देते हैं नए वाले मॉडल से और स्कॉर्पियो एस 11 इसकी बना देते हैं चलो उसके भी तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना गाइस और लास्ट आपको सारे फीचर्स वगैरह इन गाड़ियों के आपको मैं दिखाता हूँ जो भी सिस्टम है तो जल्दी खरीद लेंगे चैनल वायरल हो तो गाइस एक दो लाख सब्सक्राइब करो उसके बाद अपन भी लेके आते महिंद्रा महिंद्रा तो अंतर चाल की सब कुछ इनके देखते हैं क्या इनका रिव्यू क्या सिस्टम है तो लास्ट तक वीडियो में बने। तो गाइस अपने सामने है स्कॉर्पियो एन टॉप मॉडल है टॉप वेरिएंट है तो चलते हैं कुछ इसके आपके बारे में बताता हूँ इसके बारे में सारी। तो गाइस कुछ ये आगे से स्कॉर्पियो एन टॉप मॉडल वेरिएंट ये आपको क्रोम फिनिश में मिल जाएगी और ये आपको लाइटें इसके अंदर एलईडी मिल जाएगी और ये नीचे DRL है और इंडिकेटर है और ये कुछ आगे से ये फिनिश है इसकी और ये आपको एलईडी लाइट इसके अंदर मिल जाएगी पूरी। और अगर इसकी अगर टायर की अपन बात करें तो इसकी 18 इंच की ये देखिए आप 55218 इंच की आपको इसके अंदर टायर व्हील मिल जाएगा इसके अंदर सारा सिस्टम और कुछ पीछे से आपको दिखा देता हूँ 18 इंच की इसके अंदर अलॉय है और डायमंड कट है शायद हाँ डायमंड कट है। तो भाई ये बताओ नीरज भाई कैसी लग रही है गाड़ी आपको ये है शानदार है क्या लेनी पड़ेगी करते हैं कब जब भी होएगा यूट्यूब पे अच्छे खासे सब्सक्राइब मिलेंगे और देखते हैं अरुण भाई जैसी की वीडियो बनेगी नहीं अपने से जैसी भी बनती है लास्ट तक वीडियो में देख लेना गाइस फर्स्ट एक्सपीरियंस अपना था। और ये देखिए गाइस कुछ पीछे से ऐसा सिस्टम है इसका टॉप वेरिएंट का और ये देखो स्कॉर्पियो एन की यहाँ पे बैचिंग मिल जाएगी आपको और एक गहलोत मोटर्स आपको झुंझुनू के अंदर अवेलेबल है ये गाड़ी स्कॉर्पियो एन टॉप मॉडल और एड्रेनोक्स का इसके अंदर जो सिस्टम है जो भी आपके ब्लूटूथ कंट्रोल वगैरह जो भी क्रूज जो भी अंदर फंक्शन है मीडिया के वो सारे इसके अंदर एक्सेस है। और ये पीछे की साइड की अगर बात करें तो आपको सेंसर अनलॉक मिल जाएगा गाड़ी में और ये यहाँ पर आपको हाइड्रोलिक सिस्टम मिल जाएगा और ये सीट इसके पीछे ठीक है पर वैसे देखो अगर आप इसको अगर पीछे की सीट है आपको पता है कि 7 सीटर है ना 7 सीटर भाई हाँ 7 सीटर गाड़ी मिल जाएगी आपको ये। और पीछे देखो इसमें ऐसे नहीं है पर इसमें इसका ये है ना जो ये इसको आगे करके फिर ये शायद ये हो सकता है फिर आपकी अच्छी खासी इसमें स्पेस मिल जाएगी आपको कोई भी सामान वगैरह कुछ भी आप इसमें रख सकते हो ठीक है। और शायद लाइट वगैरह है क्या इसमें लाइट वगैरह नहीं दी क्या तो अच्छा ऊपर की साइड है यहाँ पर एलईडी की अच्छा पूरा सिस्टम एलईडी का इसके अंदर लाइट का दे दिया और यहाँ पे टायर वायर की फिलिंग का सिस्टम है ठीक है चलो बढ़िया है। तो ये था गाइस कुछ महिंद्रा भारी सिस्टम है भाई ऐसा बंद नहीं होता जल्दी से हाँ तो ये कुछ बाहर से गाइस इसका कुछ एक्सटीरियर तो अब इसके अंदर चलते हैं इंटीरियर की बात करते हैं। और ये शायद इसके अंदर ये पेट्रोल डीजल दोनों में वेरिएंट है
और अच्छा ये पुश करने से खुल जाता है क्या? ये पेंट्रोल के अंदर है अपने पास, ये भी ठीक है। अच्छा इसको पुश करने से खुल रहा है यार, ये ठीक है यार, बाहर से खुल जाता है, ठीक है, ये भी अच्छा है। तो अच्छा इसके ऊपर ये क्रोम फिनिश में मिल जाएगा आपको, सिल्वर क्रोम फिनिश में फिनिश है। और ये देखो कितने शानदार लग रहे हैं, टॉप वेरिएंट में आते हैं सर, बेस वेरिएंट में ये सिस्टम नहीं है भाई। तो हाँ तो अब चलते हैं गाइस, इसके अंदर इंटीरियर आपको दिखाता हूँ। तो ये कुछ बाहर से था इसका एक्सटीरियर, अब इंटीरियर दिखाता हूँ अपनी कार का। तो अब भाई अब चलते हैं इसके अंदर, अब इंटीरियर देखते हैं कुछ, है ना, इसकी इंटीरियर की बात करते हैं। तो आपको ये यहाँ पर पुश स्टार्ट मिल जाती है, और ये कुछ इसके फीचर्स इसके अंदर सारे जो ये आपके यहाँ पर इसका पूरा बटन वगैरह मिल जाते हैं, और अभी तो बंद है शायद ये। और यहाँ पे आपको इसका क्रूज़ कंट्रोल वगैरह मिल जाते हैं, और ये भाई लेदर फिनिश है ना, ये लेदर में या प्लास्टिक में है। और ये यहाँ पर सारे बटन है, और ये ORVM, हाँ ये भी इलेक्ट्रिक ही है इसका, ये क्योंकि ये टॉप मॉडल है ना, इस वजह से अंदर से ही इसके, हाँ अंदर से ही है शायद ये, हाँ अभी तो चालू हुई जब है शायद ये, और अंदर से ये डाउन वगैरह, ये लॉक वगैरह। और ये भी लेदर है क्या भाई? लेदर है ना, ये लेदर तो यही है, हाँ ये, हाँ ना यार लेदर है, टॉप में लेदर ही आता है शायद ना, हाँ लेदर है, लेदर है। और ये आपकी यहाँ पर इसके अंदर ऑटो, ये लाइटनिंग वगैरह मिल जाती है, और ये ऑटोमेटिक है, वेरिएंट ये टॉप मॉडल है। और आपको इसके अंदर ये तो बाद में दिखाऊंगा, ये स्क्रीन वगैरह इतनी बड़ी, अभी चाबी वगैरह लेते हैं, स्टार्ट वगैरह करके देखते हैं इसको क्या सिस्टम रहता है। और ये इसका, और ये इसके अंदर ये कुछ आपको ये स्पेस मिल जाता है कुछ रखने के लिए, और ये आपकी गिलास विलास रखने के लिए, और ये कुछ, और इसके अंदर शायद ये डूल जोन AC का भी है। और महिंद्रा में आपको पता है कि आपने वो XUV 3W वाली अगर वीडियो देखी तो उसके अंदर आपको टायर पोजीशन वगैरह वो भी बता देते हैं, क्यों भाई देखिए देखिए वो वीडियो देखिए ना, सारी वीडियो देखिए भाई, ये हील्स वगैरह के लिए शायद, और ये हजार लाइट की ठीक है, और ये रियर कैमरे के लिए शायद ऑप्शन है, हाँ रियर कैमरे का है, और 6 एयर कुछ ये ऐसा मिल रहा है इसका, ठीक है। और ये लाइट वाइट का सिस्टम है, कौन सी इसमें सस्ती नहीं रही वैसे, ठीक है बंद है इस वजह से, अच्छा चालू होने के बाद ही ये तो सिस्टम सारा। और इसमें कोई कांच वाच है नहीं, और यहाँ पे शायद स्पीकर है, बैग्स हैं हाँ, और ये सोनी के आपको इसके अंदर स्पीकर वगैरह मिल जाएंगे। और ये कुछ, और ये देखो वो ये, हाँ ये तो है ऑटोमेटिक ही वेरियंट है ये, ठीक है AC वैसी के मिल गए, सारे मोड वगैरह मिल गए। और ये कुछ ये आपको डैशबोर्ड वगैरह आ गई, स्पेस कुछ इतना कुछ ठीक है। और ये आपको क्रोम फिनिश में, सिल्वर फिनिश के अंदर आपको यहाँ से कुछ मिल जाता है। और ये महिंद्रा की बैचिंग हो गई, और ये लाइटिंग वाइट सारी ये ऑटोमेटिक है शायद, लाइटिंग वाइटिंग वाइपर के, ये साइड लाइटिंग का, ये वॉल्यूम का, ये साइड क्रूज़ कंट्रोल है, क्रूज़ कंट्रोल वगैरह आ गए। तो ये कुछ फ्रंट का सीन है गाइस, और वहाँ पर आपको स्कॉर्पियो की बैचिंग मिल जाती है, और बढ़िया शानदार AC, हाँ ठीक है। तो अब चलते हैं पीछे की साइड में, पीछे साइड में दिखाते हैं आपको क्या सिस्टम है यहाँ पर। ले भाई पीछे की साइड ही ये कुछ ऐसा सिस्टम है। ओ यार इसमें काफ़ी पकड़े, रगड़ा बंद मत कर देना वीडियो ना, कैमरे से हाथ में और ये यूट्यूब की बदल देती है, बैठ रहे यूट्यूब में वो है की इस फील्ड में आ गए भाई गाड़ियों के, गाड़ियों का फील्ड यार देखो शौक है ना, उस जिसका अपने को इंटरेस्ट है उसी में अपना करियर बनाओ भाई, मैं तो सच बोल रहा हूँ। बैठ ये इसको लाइट कर देते है, बंद नहीं हो रही, बंद हो जाए यार ठीक है भाई। ये देखो 6 फुट का बंदा है, और देखो ये देखो अब यहाँ से देखो ये है थोड़ा
ऐसे, और ये आपकी पैनारोमिक सनरूफ है, ठीक है, और ये कुछ ऐसा सिस्टम है इसका, ठीक है, और ये देखो, मतलब कि अगर यहाँ पे तो भाई यहाँ पे तो तेरा सिर हट जा रहा है यहाँ पर ये देखो इसके लिए भी ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये फॉर्चुनर में नहीं है ऐसा सिस्टम, वहाँ पर तो भाई तेरा अब तक सिर बिड़ जाता भाई, बिड़ जाता। देखो ये देखो कितना यार मजा की निकल रहा भाई, इतनी शानदार लग रहा है ये स्कॉर्पियो एन नहीं वाला, लग्जरियस फीलिंग है भाई, क्यों कैसे लगा भाई ये बताओ भाई। ये देखो यहाँ पे एससी के, ठीक है भाई, जैसी भी नॉलेज आपको बता रहे हैं भाई, एक्सपीरियंस अपना, ठीक है, चलते हैं। और अब पीछे, ये तो पीछे का तो आपने देख ही लिया, अच्छा उस साइड से है ये साइड, हाँ उस साइड से है भाई, वो उस साइड से है वो पीछे का, मतलब कि पीछे जाने के लिए। अब जैसे मान लो अगर कोई बंदा है और उसको पीछे बैठना है, क्यों भाई, है ना, ये देखो इसका यहाँ पे इसको ऐसे फोल्ड करके इजीली फोल्ड हो जाता है, है ना, और पकड़ना भाई वीडियो अभी शायद मेरे से हो नहीं रहा, कुछ दिक्कत आ रही होगी थोड़ी बहुत, समझ में नहीं आया थोड़ा अपने, पर पीछे का देखो ये सीन है, वापिस से करके देखो भाई इसको स्टार्ट, देखेंगे तो जरूर पीछे बैठ के, है ना, मिशन जंप, मिशन कंप्लीट। ये कुछ इस साइड बैठता हूँ, ये देखा भाई चाइल्ड सीट ही है, तो इसमें तो ऐसे बैठना पड़ रहा है भाई, फिर भी ठीक है, मतलब कि इतनी कुछ चाइल्ड सीट है, क्यों चाइल्ड सीट मतलब थोड़े यहाँ पे, ये देखो यहाँ पर थोड़ा पैर वेर है, देखो ऐसे हो जाता है पूरा, ये थोड़ा पैर वेर की जो कंडीशन है वो थोड़ी इस प्रकार से हो जाती है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई, एक अगर बंदा बैठता है तो बिल्कुल आराम से ऐसे भी बैठ सकता है, आराम से ऐसे भी बैठ के जा सकता है, ठीक है, और ठीक है, और ज़्यादा बार पहली बात तो ये इतने बहुत कम ही लोग ट्रेवल करते हैं पीछे की सीट पर बैठना, तो क्यों इतने कहाँ पर यार भाई, ठीक है, ये कुछ सीट है, ये सिस्टम ऐसे, तो चलिए चलते हैं, अभी ना कर इसको वापस से कर देते हैं, और इसको भाई धीरे है, ले गाइस ये कुछ सिस्टम था इसका जो भी, तो गाइस ये है कुछ महिंद्रा स्कॉर्पियो का एन का रिव्यू, कुछ कैसी लगी आपको मुझे कमेंट में बता देना, अगर गलती हुई है तो गाइस सॉरी, आप कमेंट में कर देना कुछ भी, जो भी अपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन वगैरह दी हो तो बता देना आप। तो भाई कैसी लगी अपनी फर्स्ट वीडियो, शानदार दी है, जैसी नॉलेज थी आपको, फोर व्हीलर भी शानदार, हाँ ठीक है, जो भी सिस्टम है ना बकायदा आप देख ले, ये रिव्यू कुछ अगर आप परचेज करना चाहो तो जुन्नू आके परचेज कर सकते हो। तो यही था गाइस इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हाँ शेयर भी कर देना भाई ने कह दिया, और अगर अब मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।